कातिल डोर ने कोर्ट जान ले ली। भाटी गेट में मोहम्मद बिलाल नामी नौजवान गले में पतंग डोर फिरने से जाम भग। 19 साल बिलाल मोटरसाइकिल पर रात गए ड्यूटी से वापस आ रहा था कि टैक्साली के करीब गर्दन पर डोर फिर गई। जख्मी हालत में मेयो अस्पताल लाया गया मगर जाम भर ना हो सका। अडियाला जेल से रिहाई का तीसरा रोज नवाज शरीफ मरियम नवाज जाति उम्रा में मौजूद। आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। केसी से मुतालिक कानूनी मुशावरत, मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लियामानी कमीशन और जिमनी इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। काफिला हुसैन पर कुर्बो बला और मुजालिम, सोग में डूब गया सारा आलम। यौम अशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शबीयतुल जना का मरकजी जुलूस करबला गांव में शाह पहुंच कर इख्तिताम पजीर। शाम करीबा बरपा अज़ादारों की कमी हुसैन में गरिया सारी। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। मरकजी जुलूस की सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की गई। 15,000 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहे। सेफ सिटी अथॉरिटी डीसी ऑफिस सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की गई। NH-124 में जिमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार गुलाम मोहियुद्दीन दीवान की इंतखाबी मुहिम जारी। मरकजी इंतखाबी दफ्तर भगतपुरा में कारकुनों से मुलाकात की, इलेक्शन मुहिम पर तबादला ख्याल किया। पंजाब में बल्दियाती निजाम में मतवक्के तब्दीलियां, बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। जिला नाजिम और नायब नाजिम का इंतखाब बराह रास्त होगा। पंजाब के 32 इजला में शहरी और देही हलके नहीं बनाए जाएंगे। रेलवे अमला की लापरवाही, ट्रेन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। रायवन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की दो बोगियां पटरी से उतर गईं। बर वक्त कांटा तब्दील ना करने से हादसा पेश आया। मौजाना तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।